नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं बिंद भारत। विश्व प्रसिद्ध जादूगर आनंद रीवा पहुंच चुके हैं। उन्होंने अभी तक 36 देशों में 36,000 से ज्यादा शो किए हैं। मैजिशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। 2021 में उन्हें बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की। जादूगर आनंद की नस नस में जादू भरा हुआ है। वह चाहते हैं सरकार इसको स्किल इंडिया की तरह प्रमोट करे, जिसकी वजह से कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। जादूगर आनंद 26 तारीख को मारतंडी स्कूल में अपना द ग्रेट फायर शो का आयोजन करेंगे। उसके बाद 29 तारीख को रीवा की सड़कों में आंखों पर पट्टी बांध कर निकलेंगे। जादूगर आनंद से हमारी टीम ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद भारत, मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। 36 देशों में 36,000 से ज्यादा शो। मैजिक इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जादूगर आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इन्हीं से बात करेंगे। हालांकि इनका शो 1 जुलाई से रीवा शहर के कृष्णा राजकर ऑडिटोरियम में प्रारंभ होगा। उसके बाद सबसे पहले तो आपने काफी दिनों बाद रीवा आने का कार्यक्रम बनाया, आखिर ऐसा क्यों? 2.5 साल तो कोविड में सब कुछ डेड ब्लॉक रहा, उसको तो अब गिनो ही नहीं, तो बहुत दिन तो नहीं हुए। 2.5 साल कोविड के बीते, उसके पहले आप रीवा आए थे। इस बार रीवा में क्या नया लेके आए हैं आप? इस बार में अधिकांश नया ही लेके आए। हम लोग तो रिपीट रन में कभी नहीं जाते जब तक पर्याप्त उतना बोलना। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक पहले रीवा में जब भी शो हुए तो वो टेम्परेरी ऑडिटोरियम थे, स्टेज वगैरह बनाना वो दिक्कत होती तो खुल के नहीं कर पाए थे। ये पहली बार इतना अच्छा ऑडिटोरियम और स्टेज मिला है कि जादूगर आनंद का बेस्ट जो है हम कर सकें। इस बार जादूगर आनंद का बेस्ट होगा, ऑडिटोरियम बहुत अच्छा मिला है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले फायर शो के बारे में बात की थी। ये फायर शो और जो हमेशा की तरह आप आँखों में पट्टी बांध कर पूरे शहर में गाड़ी चलाते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए, फायर शो तो ये है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि हम दुनिया भर में तो सब बड़ी बड़ी चीज़ें करते रहते हैं और अपने ही लोगों के बीच में ये सब नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार फायर शो यहाँ पर किया जाए ताकि विद्य की जनता को भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम निःशुल्क आँखों से देखें। देखिए, आँखों से जब हम देखते हैं और कैमरे में देखते हैं या प्रोजेक्शन देखते हैं, उसमें जमीन अपना हो सकता है। जादू यानी आँख से ही देखने की चीज़ है, तब पूरा तरह से उसका संतोष होता है। और दूसरे, मोटरसाइकिल चलाने का जो है वो ये है कि आज तक जब कोई अंदाज भी रोड एक्सीडेंट में नहीं मरा है तो आँख वाले लोग लाखों करोड़ों की तादाद में हर साल क्यों मरता है? हम उनको याद दिलाते हैं कि एक अंदाज में यदि पट्टी बांध के बिजी सड़कों पर इतना सुरक्षित चल रहा है, यातायात के नियमों का पालन कर रहा है, उसका जीवन सुरक्षित बंदा आदमी, तो आपको तो ईश्वर ने दो सुंदर आँखें दी पर के लिए अपने बच्चों को अनाथ करने में तो है। आँखों में पट्टी बांधने के पीछे एक मैसेज था जो आज डॉक्टर ही हम कहेंगे, जादू के डॉक्टर पूरे भारत के यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। रीवा में जैसा कि आपने कहा कि एक बड़ा स्टेज आपको मिल गया है, आप यहाँ पर 29 तारीख को रीवा की सड़कों पे निकलेंगे, उसके पहले फायर शो करेंगे और कुछ हर बार की तरह कुछ नया भी लाए हैं, तो किस तरीके से रीवा की जनता को ऐसा कुछ नया देखने के लिए मिलेगा जो आज तक कहीं नहीं मिला? तरीका ये है कि वो शामिल हो जाए नाम जो जो कर उसमें, तो हमेशा की तरह होते हैं। जैसे फायर स्टेशन कभी सप्ते में भी नहीं देखा होगा लोगों ने, शायद उसमें देखा होगा जो वगैरह। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वो जो है यहाँ में रीवा में चले। इस बार पता नहीं क्यों मन हुआ कि दुनिया भर में सब अच्छा अच्छा वो करते हैं, क्यों ना अपनों के बीच किया जाए। रीवा की जनता खुश नसीब है, जादूगर आनंद ने यहाँ पर फायर शो के बारे में जो तय किया, जो इनका पूरी दुनिया में सबसे मशहूर शो में से एक है। थोड़ा सा दूसरी बातें हो जाए जादू के साथ साथ, जैसा कि पूरे देश में जादू को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं आई जितनी आना चाहिए थी, हालांकि आपने और आपकी पूरी टीम ने इसको लेकर काफ़ी प्रयास किए, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? वजह है सरकारी उदासीनता, यानी जब से आज़ादी मिली 1947 से इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। तो अभी जो जो कला और साहित्य वगैरह टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये कोई दरख्त नहीं होता, पेड़ नहीं होता, ये तो लताओं की तरह होता है।
एक कोई आसरा चाहिए होता, उससे निपट के पलक पाता है। तो हम लोगों को कोई तने नहीं मिलता जिससे निपट के हो पाए, इसीलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, जैसे कि अगर सरकार मदद करे या कहीं से भी इस तरीके की मदद हो, तो क्या इस पर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं? बहुत ज़्यादा देखता हूँ। गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम चला रही है लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की, तरफ क्यों नहीं दिया जा रहा है? जबकि हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा साधन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और इसी बहाने जो है हमारी कल्चरल हेरिटेज बच जाएगी, विलीन हो रही है, डिमिनिशिंग है, बचाना चाहिए। हमारे देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है, हर बुद्धिजीवी का ये कर्तव्य है कि इस चीज़ को महसूस करें और उसकी पहल करें कि कोई भी सांस्कृतिक विरासत, मैं सिर्फ एक कला की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे देखते देखते विलीन हो रही है, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। ये तो जादू की कला अब विलीन हो रही है, सरकार को भी इस बारे में जरा सोचना चाहिए। अगर सरकार इसमें मदद करती है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा साधन ये हो सकता है। उसके अलावा जी दुनिया में डिमांड है, पूरी दुनिया में डिमांड है इंडियन मैजिक की, तो यहाँ से 15-20 अच्छे जादूगरों की टीम बना के भेज दी जाए तो करोड़ों डॉलर हर साल कमा के लाएंगे हमारे देश के लिए। आपका कहना है विदेशी मुद्रा भी आ सकती है, जैसा कि आपने 36 देशों में 36,000 से ज़्यादा शो किए, तो कुछ विदेशों में ऐसा यादगार लम्हा जो आज हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? नहीं, सब कुछ सभी कुछ पहली बार जाओ तो सब कुछ नया नया सा लगता है। मैं तो करीब 16 साल का था जब से जा रहा हूँ, तब सामान्य सा लगने लगा कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हम भारतीयों को सीखना चाहिए विदेशों से, मानवीय स्वभाव के आचार विचार व्यवहार के। एक तो यह है कि वो लोग प्रशंसा करने को व्याकुल रहते हैं, आप में तारीफ ढूंढते हैं, हमारे यहाँ आप में बुराई ढूंढते हैं, बुराई करने के लिए व्याकुल रहते हैं, ताली बजाना, अप्रिशिएट करना दिल से, हमारा ईगो हर्ट होता है, हमको ऐसा लगता है कि अच्छा हमको ताली बजाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं। अच्छा है यदि है तो उसको अभिव्यक्ति करिए, बुरा है तो उसकी भी करिए, लेकिन दोनों की वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बुराई करने में बहुत ज़ोर से बोलते हैं, तारीफ करना हाँ ठीक है, नहीं अच्छा, नहीं नहीं बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, न्यायपूर्ण रहिए दोनों तरफ। हमारे दर्शक जो इस समय आपको देख पा रहे हैं, आप रीवा में हैं, 26 को आपका पहला बड़ा शो होने वाला है जो आज तक रीवा में नहीं हुआ, 29 को रीवा की सड़कों पे आप निकलेंगे, तो रीवा की जनता से आप अपने शो के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि सब कुछ अनूठा है, अद्भुत है, नया है, हर जगह शामिल हूँ। ईश्वर ने कोविड जैसी महामारी से हमारी रक्षा की है, हम लोग अभी जिंदा है, और जब जिंदा है तो जिंदा होने का हमको सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए और सबूत भी देना होगा। जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। आप लोग शो में आइए, इस बार बहुत सारी नई चीज़ें हैं, आपको खुली आँखों से ही जादू देखने का असली मज़ा है, वो रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हम और हमारी टीम दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब जब इनका मैजिक शो होगा, सड़कों पे जब ये निकलेंगे, उस खबर पर भी हम नज़र बना कर रखेंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।